इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इस लड़ाई में इजरायल का एक कमांडर मारा गया। इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें दागी। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायल ने ईरान के इस्फहान परमाणु संयंत्र और ठिकानों को निशाना बनाया है। यहाँ ईरान का एक प्रमुख एयरबेस भी है। दूसरी तरफ ईरानी सेना का दावा है कि उसने इजरायल की सारी मिसाइलें मार गिराई और काउंटर अटैक भी किया है। इससे पहले बीते 14 अप्रैल को ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी थी। इसराइल ईरान की इस तलखी के बीच मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व में भयंकर जंग की सुगबुगाहट आने लगी है। इस लड़ाई में क्या समीकरण बनेंगे, ईरान के साथ कौन सा मुस्लिम देश आएगा और कौन सा साथ छोड़ेगा, ईरान के साथ क्यों सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा है, आइए समझते हैं। शिया और सुन्नी की कहानी। मुस्लिम धर्म में मुख्य तौर पर दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी। ईरान शिया बहुल देश है। शिया का शाब्दिक मतलब है शियात अली, यानी कि अली का दल, जो पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। इसकी शुरुआत पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद 652 ईस्वी में उत्तराधिकारी के जंग के रूप में शुरू हुई। मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को मानने वाले लोग शिया कहलाए, जबकि अबू बकर को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए। शिया मुसलमानों का दावा है कि मोहम्मद साहब ने अपने इंतकाल से पहले हजरत अली को अपना उत्तराधिकारी लिखित रूप से घोषित किया था। वहीं सुन्नी संप्रदाय के लोगों का दावा है कि मोहम्मद साहब ने अपने असली वारिस अबू बकर को बनाया था। इसी मान्यता को लेकर मुसलमान दो हिस्सों में बट गए। हालांकि दोनों समुदाय कुरान और शरीयत को मानते हैं, लेकिन मोहम्मद पैगम्बर पर इनकी राय अलग अलग है। शिया हजरत अली को जबकि सुन्नी पैगम्बर साहब को अपना खलीफा मानते हैं। शिया मुसलमान दावा करते हैं कि अली और उनकी संतानों को ही मुसलमानों का नेतृत्व करने का असली अधिकार मिला हुआ है। दुनिया में करीब 13 करोड़ शिया मुसलमान हैं। मुसलमानों की कुल आबादी में शिया मुस्लिम की भागीदारी 10-12% के आसपास है। ईरान के अलावा इराक, बहरीन, अजरबैजान और यमन ऐसे देश हैं जो शिया बहुल हैं, यानी कि शिया मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, कुवैत, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई जैसे देशों में भी शिया मुसलमान हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति भी सुन्नी मुसलमानों के मुकाबले बहुत कमतर है। ईरान की सऊदी अरब से क्यों दुश्मनी। मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला सऊदी अरब एक सुन्नी देश है। सुन्नी शब्द अहल अल सुन्ना नामक शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है परंपरा को मानने वाला। इस्लाम में सुन्नी से तात्पर्य है ऐसा मुसलमान जो पैगंबर मोहम्मद के बताए रास्ते पर चले और उनके सिद्धांतों को मानता हो। दुनिया भर में जितने मुसलमान हैं उनमें से 90% से सुन्नी है। ईरान और सऊदी इस्लामिक देशों के बीच अपना प्रभुत्व साबित करने और उनका अगुआ बनने के लिए दशकों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शिया और सुन्नी की इसी दीवार ने दोनों के बीच तलखी बढ़ाने और दुश्मनी की खाई और गहरी करने का काम किया है। 1979 ईरान की क्रांति के बाद ईरान ने एक शिया कट्टरपंथी इस्लामी एजेंडा लॉन्च किया, मिलिशिया की मदद करनी शुरू की, जिसे खाड़ी देशों, खासकर सुन्नी बहुल इस्लामी देशों ने नापसंद किया। ईरान और सऊदी अरब का इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने का झगड़ा दशकों से चला आ रहा है। जब समर्थन करने की बात आती है तो इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं, पर सऊदी और यूएई उनके साथ नहीं है, क्योंकि ईरान को किसी तरह का समर्थन एक तरीके से उसे और मजबूत करने जैसा होगा। लेकिन अगर सीधी लड़ाई होती है तो दूसरे इस्लामिक देश इन पर नैतिक दबाव बनाएंगे।